कौन है? मेरे पैर। ये मणिपुर से सुंदर सुंदर यहाँ पे महंगा है पर सुंदर है। मजा आता है ब्लॉग देखते हैं। आज हम परेड ग्राउंड इसके साथ एक्सप्लोर कर। हाथी दिया रखने वाला ये 400 की पेयर आज के। हेलो हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे मैं फिर से नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ परेड ग्राउंड, जो देहरादून का फेमस ग्राउंड है, जहाँ पे सारे प्रोग्राम होते हैं हमारे देहरादून के। तो चलिए हम आपको घुमाते हैं देहरादून, और देहरादून में जो लगे हैं मेले वो मैं आपको दिखाती हूँ अपने ब्लॉग्स में। स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये धरोहर जो लगा है यहाँ पे, जहाँ पे बेसिकली पहाड़ी चीज़ों का प्रमोशन होता है, आजीविका के लिए ये लगता है यहाँ पे मेला। तो चलिए ये ब्लॉग तो ये वाला तो नहीं देखेंगे हम, बट अभी हम चलते हैं पहले सरस मेला, फिर देखिए यहाँ टाइम मिलेगा तो ठीक है। तो ये है आपको तिब्बती मार्केट, तिब्बती मार्केट के सामने लगा है धरोहर। तो ये है सरस मेला, जो आपके इस चौक से थोड़ा सा आगे आगे सरस मेला यहाँ लगा है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये है सरस मेला। सरस मेला का गेट दूसरा जो कि रेंजर्स ग्राउंड में लगा हुआ है, और हम चले गए थे परेड ग्राउंड। वो परेड ग्राउंड है, ये रेंजर्स ग्राउंड है। ज्वाइन कर लिया, बब्बी दीदी ने भी यहाँ पे हमको ज्वाइन कर लिया है। ये बहुत उदास थी ना, क्योंकि इसके नाना जी गुजर गए थे ना, इसलिए दोस्तों। पर इसको मैं खुश करने के लिए आज मेले में लेके आई हूँ ताकि ये खुश हो सके। मेला घुमाऊँगी इसको आज, ठीक है। आते नज़र पड़ी इस फ्रेम पर जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, झूला भी है। का पेयर ये 400 की पेयर आज कितनी प्यारी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी, और ये 150 का एमएमई। हाँ 150। और यहाँ पे सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स भी है जो मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। ऑक्सीडाइज झुमके भी हैं। ये 100 के दो, ये भी सुंदर लग रहे हैं। झुमके देख 100 के, 50 के, ये 100 के। दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? यहाँ पे हमें एक पैजामा दिखाया अलग सा, बचे हुए कपड़ों का बना हुआ है। उधम सिंह नगर, वाह वुडन के आइटम्स कितने सुंदर सुंदर है। क्या ले रही है? चल यहाँ से कहीं और दे। ये तो प्यारा है। रंगोली कलर्स हैं। नहीं ये दो है। अच्छा पूरा एक ही है। अच्छा मुझे ये पूछो। ये तो सुंदर है। ये सेट करना पड़ेगा ना इसके अंदर। हाथी दिया रखने वाला। प्यारे प्यारे ये देख गिफ्ट आइटम के लिए बड़ा सही है। 140 का तो अच्छा लगा मुझे। ये रंगोली का ये आइटम्स है। एंट्रेंस शॉप है। बहुत सुंदर सुंदर पैर है। ये पर्दे वगैरह कहाँ लग रहे हैं? पता नहीं, अभी तो मैंने भी नहीं घुमाया। चलो इसे करो आप। थोड़ी गढ़वाल अब खुल रहे हैं शायद से। और यहाँ पे होता है प्रोग्राम रात को कृष्ण। तो दोस्तों सामान तो बहुत है, दिवाली के आइटम से बहुत सुंदर सुंदर है, बट बहुत महंगे भी है मतलब नॉर्मल रेट से। और ये वो जगह है जहाँ पे शाम को सारे लोग कलाकार या कोई ना कोई आके यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं, मतलब हमेशा शाम को यही है वो स्टेज, जब भी आप लोग को दिख रहा होगा। हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर और क्या क्या दिखाई देता है। अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं सारे ही ट्रेडर्स। चलिए क्या प्राइस है? 3000। अच्छा 3000 की। बहन तूने लेना है, ये ले जाएगा कौन तेरा? ये लेके जाएगा इसको। मुझे लग रहा है दिवाली में तुम दोस्तों जो तो भैया उतना बड़ा सा घर ही है, वो बोल रही है घर में बहुत बड़ा हो जाएगा वो दरी उसके लिए। तो जो कालीन हमने देखा बहुत बड़ा था, वो ऐसा लग रहा था ये बहुत सुंदर है। ये भी देखो और दिखाते हैं आपको कालीन, ये बड़ा सुंदर लग रहा है। भी ऐसा लग रहा है टेबल के पास बनारस से आए हो। अच्छा इतना तो हो गई ना तेरा घर आदित्य। दोस्तों ये आदित्य बोलेगी इतना बड़ा तो हमारा घर है जितना बड़ा ये कालीन है। यहाँ पे देहरादून से है कोई कोई एक और है यहाँ पे दिवाली का सामान। जरूर ला रखा मैंने ये तो सुंदर लग रहा है, खाली जार के दिलाई नहीं ना, मेरे पहाड़ चढ़ने की बस की है। ये सारे कैंडल्स इधर, ये पैर पैर देखना। और ये 550 का। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे कोई मिला है परेड ग्राउंड में, ये मेरे पीछे जो छुप रहा है। हाय क्या नाम है आपका? आदित्य। इसका नाम आदित्य, इसका नाम आदित्य है, ये फ्रॉम माणा है। और ये यहाँ पे अभी फरन का स्टॉल लगाने के लिए आ रहा है। क्या है? अच्छा ये स्टॉल तुम्हारी है? अच्छा आपने बताया नहीं आपकी स्टॉल है। अब तो हमें डिस्काउंट पक्का मिलेगा। क्यों सर? अब तो डिस्काउंट पक्का मिलेगा। ठीक है देख के मुझे थोड़ा थोड़ा राजा वाली वाइब्स आ रही है। चलिए दोस्तों आपको मिलाती हूँ। आप कुछ बोलना चाहते हो? फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हमने भी किया हुआ है, अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। हाँ जरूर ठीक है। खाना खाते टाइम अच्छा रहेगा आपके लिए, मजा आता है ब्लॉग देखते हैं। आज हम परेड ग्राउंड इसके साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखते हैं हमें क्या क्या दिखाता है परेड ग्राउंड में और क्या चटपटी बातें सुनाता है। ठीक है तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हैं ऐसे कॉन्सर्ट होते हैं कई बार। हाँ कृष्ण मई पाल जी आए थे परसों। तो दोस्तों ये यहाँ पे ना करवा चौथ की शॉपिंग इसका मुझे शक हो रहा है। करवा चौथ चले गए, मतलब दिवाली में गिफ्ट दे गए करवा चौथ के बहाने। ये चूड़ियाँ ले रहा है यहाँ पे देखो। हाँ खाली झूठ सच्ची में दिखाती हूँ। और यहाँ से अपनी बब्बी दीदी को बोल रहा है कि आप मेरे लिए पसंद कर दो चूड़ी, मतलब करवा चौथ में नहीं देगा तो अब दिवाली पे देगा ना उसको करवा चौथ बोल के। शक हो रहा है मुझे इस आदि पे शक हो रहा है। दोस्तों इस क्या गाल मार लगाने से पैसे आते है की बुद्धा जी के कसम से, तभी तो हाथ लगा रहा उसे खाई दिया परसों। हाँ ये भी सुंदर है, सब में मैच करेगा। कितने का है? कितने का है? 2500 का है। बड़ा सुंदर सा लग रहा है ये भी। हाँ आप लोग कहाँ से आए हो? देहरादून से, रात की है डोई वाला साइड से। आप कहाँ से आए हो मैम? मैम आप कहाँ से आए हो? मोगमपुर से। कैसा लग रहा है आपको शॉपिंग करने में फिर यहाँ पे? मैंने सुना आप यहाँ पे दूसरी बार आ रही हो। पैसे तो और मजा आएगा। पैसे तो खर्च होते। मैम आप क्या खरीद रहे हो फिर? बेचू करवा जाओ तो चले गया है भाव। ये कितना प्यारा कलर है यार। हाँ ये कितना प्यारा कलर है। आप ऑन है ऑफ तो नहीं होगा। दोस्तों करवा चौथ के बाद इसकी शॉपिंग अभी तक नहीं हुई खत्म। यहाँ पे देखिए फिर चूड़ियाँ पता नहीं कितनी चूड़ियाँ बांटती है करवा चौथ पे कि मैं थक चुकी हूँ। मतलब मेरे को तो एक ही देती है ना, खैर क्या पता आप दूसरा दिला दें। अब देखो फिर है ना पहले भी आए थे ना आपके यहाँ से, देखो वो दीदी भी हाँ बोल रही है ना, लेके गए हमारे यहाँ। तो मतलब पूरे त्यौहार इसलिए यहीं से लेनी है मुझे लग रहा है। आप दिवाली के बाद शादी में आपको 7 दिन तक ये नहीं रहेगा, 27 तक नहीं है, 27 तक है पर 2 वाला में लगता है स्टॉल वहाँ पे, तो ये नहीं जाएगी मेरे को शादी की शॉपिंग करने के लिए। आप इसको अपना एड्रेस दे देना दीदी, आप इसको अपना एड्रेस दे देना, फोन नंबर दे देना, ये आपके एड्रेस पे आएगा वैसे क्योंकि मुझे 2 वाला ज़्यादा दूर पे है। A few moments later. अपने कॉन्सर्ट कनेक्शन मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे, थोड़ी देर में मैंने झुमकी झुमकी में डांस परफॉर्म करना है। चलिए मैं अपने असिस्टेंट को ला दी, चलो फॉलो मी प्रोग्राम करने जाते हैं। ये मैं सुना भाई ग्राहक भी खुद का भाग पड़ी मैं ऑडियंस को ले चलते, चलो ये यहाँ से नहीं हिलने वाली, 1 घंटा होगा देखने लगता। यहाँ पे दिए मिल रहे हैं 45 रुपीज़ के हैं, जो ये कह रही कि दोबारा नहीं मिलेगा तो ले लेती हूँ। इतना कम है क्या? इसमें 25 पीस बराबर है, साइज दो तो वो बस हो गई। एक काम करो आप उसको अंदर ही रख लो, ये 1 घंटे से हिलेगी नहीं यहाँ से, है ना असिस्टेंट देखेगी मन भी भर लेगी, टाइम पास हो जाएगा उसका। नाम बना दी सुंदर लग रहा था दोस्तों, तब से वहाँ पे स्टेज में हेलो हेलो बोल रहा है वो, शायद इसको बुला रहे हैं बट ये जा नहीं रहा गाना गाने के लिए, ज़्यादातर को गाना गाने के लिए बुला रहे हैं। आज के प्रोग्राम की आज के शाम की शांत अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कोई मैंने तो वहाँ पे जो 2 लाइन सुना उसके बाद देख सब जितने भी यहाँ पर है सारे भाग जाएंगे। कौन सा वाला? मुझे डीजल की रानी जीवन उसका पानी भाई वो पोएम होता, मसली जल की नहीं सुना था। आप कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनाना पड़ेगा, कुछ कल्चरल सॉन्ग जैसे कि जागर जुगर इस टाइप के सॉन्ग, ऐसे थोड़ी चलते मस्ती चल के गाने, पोएम थोड़ी सुनाना उनको। वहाँ पे गाना पड़ता है कि कुछ वैसे गाने, मतलब अगर आप इस वीडियो पे लाइक करोगे तो मैं गाना गाऊंगा अगली बार पक्का। और ये भी लिख देना है कि आदित्य प्लीज़ हमें गाना सुनना है, तो मैं इसका स्पेशल सॉन्ग रिकॉर्ड करके लाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। और ये बबीता पालना ये अभी तक यहाँ पे बिजी है, ये नहीं आने वाली, हम यहाँ से चलते हैं। अब उनको यहीं बैठाना पड़ेगा, अगली बार से एक स्टॉल इसका यहाँ बनाना पड़ेगा। चलो हम आगे कहीं और जाते हैं। 1600 की रेंज में ये महंगा है पर सुंदर है। ऐसी बहुत सारे हैं यहाँ पे, कश्मीरी कुर्तियाँ, वाओ। दोस्तों सुंदर सुंदर चीज़ें हैं बट महंगी चीज़ें हैं। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, दूसरे राउंड दूसरे चक्कर। बहुत बड़ा लगा है यार, इधर भी पूरा है। मणिपुर से सुंदर यहाँ पे क्राफ्ट आइटम्स हैं। अच्छा वाराणसी से आए हैं इधर। पैसे ले दिया, क्या हुआ? ये कह रहे कि भाई मुझे लूट रही है, क्यों लूट रही थी उसको? ये बाबा वापस नहीं देती पैसा, मत दिया पैसे ही मांग रही है। बाल मिठाई भी है दोस्तों। आज हम सिर्फ 3 है, 1 2 और 3, मतलब एक तो थोड़ा काम बिगाड़ना, काम बनाना होता है। झूले में बैठेगा उसको मिलेगा इनाम, मैं बैठूंगी झूले में मेरे को इनाम मिलेगा। मिक्की माउस में जाते हैं, ये मिक्की माउस वाला बैठने वाला बताओ जरा। मिक्की माउस नीचे आ जाएगा भाई, उसको बोलना 100 रुपये ले लेना पर मेरे को थोड़ी देर दिखा दो। और मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग इसको नहीं पहचान पा रहे होंगे, तो ये जो बब्बी की विजया मौसी है जो गोपेश्वर में रहती है, ये उनका बेटा है ना, जो मैडम है मतलब। चलिए अब आपको दिखाते हैं, तो ये विजया मौसी का बेटा है, इधर दिखाना जरा शक्ल ढंग से। आप ढंग से देख लीजिए, इसकी स्माइल देख लीजिए ढंग से। इतना पास है एक्चुअली। इसने कहा कि मुझे अच्छा लगता है मैं अपने आप को उसमें देखूँ था टीवी में, तो मैं इसको जूम करी इसलिए ताकि अपने आप को जूम करके देखे आज टीवी में। अब कहाँ जाना है? स्टॉल्स तो अभी हमने ये 3 स्टॉल कवर करे, 1, 2 और ये 3। अब हम जाएंगे यहाँ से इधर। कॉर्नर पे सारे झूले हैं इधर साइड, और यहाँ पे लगा है आई लव सरस का बोर्ड, और इधर सारे झूले और भूत बंगला साइड है, और इधर है पूरा सरस मेला। सो अब हम जा रहे हैं चरखी में बैठने, देखते हैं डर लगता नहीं लगता आज हमें। और ये है चरखी, पूरा देहरादून दिखा रहा है, पूरा देहरादून दिखाई दे रहा है। देखो मेरे पेट में बहुत गुदगुदी हो रही है। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय मां बाला सुंदरी, जय माता दी। सारे देवी देवता याद आ रहे हैं, रणचंडिका माता, जय मां रणचंडिका, और भवानी माता, भवानी माता, जय मां राजराजेश्वरी, और जय माता मूर्ति, माता मूर्ति, जय माता मूर्ति, और गौरी माता, गौरी माता, जय गणेश गुफा, जय व्यास गुफा, सरस्वती माता, सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय मेरा बचना। तो फाइनली हम यहाँ से झूल के आ गए। ऐसे गुदगुदी भी ना पेड़ में, ऐसे गुदगुदी भी ना, इसको भी आना चाहिए था बट ये नहीं आई, डर होगा ना इसलिए। अच्छा मुझे यहाँ से देख के अच्छा करा गया, पहुँच गया। ऐसे गुदगुदी होते ना पेड़ में, बाप रे डर के आगे डर नहीं लगती है वैसे, और गुदगुदी सी होते थोड़ी हंसी आती है। एक्चुअली एंट्रेंस इधर से शायद, ये है एंट्री। आई थिंक मुझे लग रहा है एंट्रेंस यहाँ से, हमने बैक गेट से एंट्री करी है, ये है यहाँ पे मेन एंट्रेंस, और हमने शायद से गलत जगह से एंट्री करी है तो हम बैक साइड से आए हैं। अब मेरी बहन को तो कहाँ गई, गायब हो गई है। धन्यवाद। अब चलते हैं फूड आइटम्स की तरफ। तो यहाँ पे हमें भैया तंदूरी चाय पिलाने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी। आप भैया पुणे से हो? आप दिल्ली से, लेकिन चाय पुणे की है। पुणे की स्पेशल कूलर। क्या भाई मैं डर गई। कूलर चाय। बब्बी हाँ भूत शिकायत आ रही, कौन है? तंदूरी चाय पी, आप तंदूरी चाय पी रहे हो? कौन है? भूत बंगला में कोई है, उसको पकड़, उसको पकड़ के ला जा। भूत बंगला में कोई है आज। वो मेरे पास ऐसा हाल है कि मैं ऐसे खींच के लाऊंगा। 50 का एक बैठा चाय पी रहे हैं। कौन है भूत बाहर आ गए भैया, आपका भूत बाहर आ गया। मुझे ना हॉन्टेड हाउस वालों को बोलना पड़ेगा कि उनका भूत ना बाहर आ गया निकल के वहां से। नहीं, आज रात को सपने में भी हम यही बोलेंगे कौन है भूत बोलेगा तब भूत वाला डायलॉग मारेगा। कौन सा डायलॉग मारेगा? आज रात को बब्बी के सामने में आएगा कौन है भाई, कितना भयंकर है वो, डरावना है। तो हम आए हैं प्यारी पहाड़न के पास, जहाँ पे कुछ चाउमीन और इसने ऑर्डर किया है कुछ मोमो। ये प्यारी पहाड़न के पास आए हैं, यहाँ पे इसने कुछ ऑर्डर किया है चाउमीन और पता नहीं क्या क्या। और अभी हम तंदूरी चाय का मजा ले रहे हैं विद चाय मुझे लग रहा है कहीं वो इसको काम पे ना, मुझे लग रहा है वो इसको काम पे ना रख ले कहीं अंदर हा 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 करने के लिए। रियल वॉइस चाहिए होगा उनको वैसे भी। और यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे भूत बंगले की इतनी भयंकर आवाज आ रही ना कि हमें डर लग गया। और यहाँ पे ना इनके स्प्रिंग रोल भी काले हो गए हैं भूत के डर से। और ये कौन है? ये तो जो बन गया तू उसका बोल। मैं गाँव से आया हूँ यहाँ, ये काले स्प्रिंग रोल खाने के लिए आया है। भाई भाई चिल्ला चिल्ला के गला खराब हो गया हमारा। कैसा हो रहा है? अभी चखाई नहीं। और इधर सारे फूड स्टॉल्स लगे हैं, एंट्री करते हैं राइट साइड में। और अब मैं आपको भूत बंगला दिखाती हूँ पास से। आवाज आ रही है तो मेला घूमने में मजा ना बहुत सारे लोगों में आता है, बहुत सारे लोगों तक मजा आता है मेला में। सही बात है। सरस तो वहाँ से हम आ गए हैं चुप साइड के स्टॉल। देहरादून आर्ट ऑफ बनी, इधर भी बहुत सारे दिए के आइटम्स है। नौगांव जनपद उत्तरकाशी। रामपुरा सुंदर लग रहा है ना ये फूल। कितने के होंगे? 30 रुपये स्टिक। दूर लग जाता होगा ना इसमें लेकिन। हाँ ऐसे सारे फूल मेरी माँ भी बना देती है। एकदम श्रीनगर के हैं। एक गलियाँ से घूम के वहाँ से बाहर आएंगे, फिर वहाँ से उधर अंदर जाएंगे, मैं से बाहर निकाल जाएंगे। साड़ियाँ भी है पौड़ी गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल की साड़ियाँ होती है फेमस। मैं तो आज देख रही हूँ। पौधे भी है बहन, याद है लटकन लखनऊ से आके इसने ठीक बोला। फिर चूड़ी पे चले गए क्यों? सही में पर ये अलग चूड़िया देख। हाँ वही बोल, कागज नहीं है, अलग वो वाले कपड़े वाले पर साइज थोड़ी होगा इसका। जैसे जैसे शाम बढ़ रही है यहाँ बहुत भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, शायद इस वजह से क्योंकि हम प्रोग्राम हो रहा ना इसलिए गाना लग रहा है। कहाँ गई? मैं ढूंढ रही थी यार। हमारे उत्तर प्रदेश की साड़ियाँ नहीं बुलंद तो है ना ये, पर ये ऐसा झूठ का ये जेल में कैदी बनाते हैं ना। अच्छा बड़ा सही लग रहा है। अच्छे खरीदार दोस्तों ना एक्चुअली हमें लेट हो रहा है, हम जाते हैं घर के अंधेरा होने लग गया ना, दूर जाना है। और क्या बोलते हैं, और यहाँ पे एक बहुत सुंदर दुकान में और दिखाई दी है, बहुत सुंदर सुंदर है। बहुत सुंदर बना रखा है ना। जो अपने अभी स्टॉल देखा सुंदर सुंदर, सारे विकलांग लोगों द्वारा बनाया गया था, तो बहुत सुंदर। और जो छपेल देखा ना मैंने, वो सारे कैदियों द्वारा बनाया गया था, जो 500 रुपये का जोड़ा था। यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ देखते क्या है। कुछ है जो बहुत भीड़ लगी है, बॉडी और अंदर मुड़ जा रही है। हमने ये बॉडी में जा रही है और कब उसको छोड़ देते। चल दोस्तों, यहाँ पे आज की संगीतमय शाम शुरू हो चुकी है, दिखाते हैं आपको संगीतमय शाम। मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा। ओ मेरा सामान। तो दोस्तों चलिए, आज का मेला संपन्न हुआ, यहीं पर ही चलते हैं घर। एक्चुअली जो सरस मेला, वहाँ पे ऑल इंडिया से आते हैं स्टॉल लगाने के लिए सब लोग, आजीविका का एक तरह से सोर्स है। एंड अब हम जाते हैं घर की ओर। और देहरादून के बहुत सारे स्टॉल्स थे, बहुत बड़ा मेला लगा है, कम से कम बहुत टाइम चाहिए आपको अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, और बहुत सारे पैसे चाहिए खर्च करने के लिए। और अब ये दोनों जा रहे हैं यहाँ से अलग, दोनों मैंने रखना है। चलो बाय बाय, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। सब्सक्राइब पहले भी बताया, अगर आप ज़्यादा लाइक करोगे तो परसों हम विरासत या दूसरा जो धरोहर वाला मेला है वो, हाँ धरोहर दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। चलो बाय, मिलते हैं। अब हम चलते हैं घर। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।